हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों नीट 2025 के सिलेबस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि नीट 2024 में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे बच्चे पूरे ही साल। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी ही पूरी की पूरी चेंज हो गई है ना। बहुत सारे 6 चैप्टर्स, अगर मैं बायोलॉजी में बात करूँ, 10 केमिस्ट्री में, जो थे एनसीईआरटी से कम्प्लीटली डिलीट हो गए और एक नई एनसीईआरटी मार्केट में आई विद द रिड्यूस्ड कंटेंट, विद द रिड्यूस्ड सिलेबस। तो पूरे साल बच्चे इस डायलेमा में रहे कि हम ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें या न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें। हालांकि सेशन के बीच में एनएमसी ने अपना एक सिलेबस भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया कि आप लोगों को इस अकॉर्डिंग चीज़ें प्रिपेयर करनी है, बट उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो ना ओल्ड एनसीईआरटी में थे ना न्यू एनसीईआरटी में थे। तो अब जब नीट 2025 या अगर आप नीट 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी 11th में आए हैं वो 2026 देंगे और बाकी जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है या 12th अभी रनिंग है वो 25 में अपीयर होंगे, उनके मन में भी ये कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि मैम हम क्या फॉलो करें, हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, हमारे लिए क्या सिलेबस आएगा। तो बच्चों, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बताऊं, जो सिलेबस है वो एनएमसी या एनटीए की तरफ से जब फॉर्म्स रिलीज होते हैं ना उनके साथ आता है। अब फॉर्म्स तो रिलीज होते हैं लगभग फरवरी मार्च में जाकर और एग्ज़ाम होता है मई में, तो 2 महीने पहले आपको पता चले कि हमारा ये सिलेबस है, उस अकॉर्डिंग तो आप प्रिपरेशन कर नहीं सकते। तो हर साल यही पैटर्न रहता है कि जो भी लास्ट ईयर का सिलेबस एनटीए ने एनएमसी ने अपलोड किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको, उसी को अपना सिलेबस मानते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। और क्योंकि इतने मेजर चेंजेस अभी रिसेंटली 2024 के लिए हुए हैं, तो अब 2025-26 में तो बहुत मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ओके, तो आपको मैं इस वीडियो में दोनों चीज़ें बताऊँगी कि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है या न्यू एनसीईआरटी है तो आप उन दोनों से ही कैसे पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चों को वो क्या चीज़ें हैं जो एडिशनली पढ़नी है और ओल्ड एनसीईआरटी वालों को वो क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो, वैसे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट सारा जो खेल है ना वो सिर्फ 10 चैप्टर पर अटका हुआ है। अगर मैंने कैलकुलेट करके देखा कि आपकी बायोलॉजी में पूरे सिलेबस में 11th प्लस 12th में मिलाकर 38 चैप्टर्स थे, यू ऑल नो कि उनमें से 6 तो कम्प्लीटली डिलीटेड हैं। वो कौन से चैप्टर्स हैं? 11 से 3 चैप्टर डिलीट हुए हैं, 2 प्लांट फिजियो के, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन और एक ह्यूमन फिजियो का, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। 12th एनसीईआरटी से भी 3 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, द वेरी लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज और एक स्ट्रैटेजीज फॉर फूड एनहांसमेंट, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर्स तो भाई अब किसी को टच भी नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इनको प्रिपेयर किया होगा, उनके मन में ये डाउट होगा कि मैम क्या पता कुछ पूछ लिया तो भाई ऐसे नहीं होता। ये स्टैंडर्ड सिलेबस होते हैं, एनएमसी ने खुद रिलीज़ किया है, एनटीए ने खुद बोला है, इन चैप्टर्स का नामों निशान भी नहीं है सिलेबस में, तो आपको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये 6 डिलीट हो गए तो बचते हैं आपके 32 चैप्टर्स। अब इन 32 चैप्टर्स में भी अगर आप देखेंगे ना तो 22 चैप्टर बच्चों ऐसे हैं जो आप कहीं से भी पढ़ लो, आप ओल्ड से पढ़ लो, आप न्यू से पढ़ लो, दे आर सेम, उनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो आप इन 22 चैप्टर्स को कहीं से भी पढ़ें, इनमें उलझना ही नहीं है आपको। जो सारी उलझन है वो है इन 10 चैप्टर्स की, जिनमें से या तो कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं या कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो बस यही 10 चैप्टर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इवन मैं आपको कहूँगी कि इन 10 चैप्टर्स के नाम के साथ जैसी टेबल मैं आपको बता रही हूँ ना, प्लीज़ एक पेज पर ये टेबल मेरे साथ साथ बना लो और उसे अपनी दीवार पर चिपका देना, क्योंकि ये पूरे साल आपको रहेगा मन में ना। आपने कहीं पर कोई क्वेश्चन देख लिया, कई बार कुछ टेस्ट सीरीज़ में पूछ लेते हैं ओल्ड सिलेबस से भी चीज़ें, है ना, तो आपको फिर से डाउट होगा, फिर आप कोई वीडियो देखने बैठोगे। इससे अच्छा है आपके सामने दीवार पे लगा हुआ। और ये जो भी मैंने टेबल बनाई है ना, ये खुद से नहीं बनाई है, ये आपका जो एनएमसी का ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पर रिलीज सिलेबस है वहीं से सारे स्क्रीनशॉट्स लेकर उनसे कंपेयर करके ही मैंने ये टेबल बनाई है। तो इसलिए ये टेबल बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी और पूरे साल आपको इधर उधर डेविएट होने में उसे रोकेगी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इन उलझाने वाले 10 चैप्टर्स की जो कि आपके बायोलॉजी में हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है ना बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड। वैसे तो आप इस पर ज़्यादा मत उलझना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए थे लास्ट ईयर्स में वो टेक्सोनॉमिकल एड से थे और वो टॉपिक अब हट चुका है। तो कहा, इन शॉर्ट कहा जाए तो ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा हो गया जिसको आपको पढ़ने की नीड नहीं है, बस बायो के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि स्पीशीज, जीनस वगैरह क्या होता है, हमें इस चैप्टर को पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ मैंने उन टॉपिक्स का नाम लिखा है जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं।
मैं कहूँगी बच्चों जो अभी 11th में आए हैं या जो अभी 12th में भी आए हैं, अगर उनके पास NCERT नहीं है तो प्लीज़ आप न्यू NCERT ही खरीदना। मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं कि मैम हम ओल्ड NCERT खरीद लें क्या? क्यों खरीदनी है आपको ओल्ड NCERT? जब कोई चीज़ कोई चीज़ मॉडिफाई की गई है, सारी ऑफिशियल बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि हम उसे ही फॉलो करेंगे, तो आप भी उसे ही फॉलो करो, ठीक है। बट यस, साइमल्टेनियसली जो ड्रॉपर बच्चे हैं, हो सकता है किसी का सेकंड ड्रॉप हो, थर्ड ड्रॉप हो, फर्स्ट ड्रॉप हो, उन्होंने अपनी 11th 12th में ओल्ड NCERT में अच्छे से सब हाईलाइट कर रखा होगा, नोट्स बना रखे होंगे, तो वो चिंता मत करो। वो ये मत सोचो कि मैम अब हम फिर से पढ़ें क्या NCERT, वो बिल्कुल ओल्ड NCERT से पढ़ो, बस जो चीज़ें नहीं पढ़नी उन्हें छोड़ दो, ठीक है। तो अगर हम इस फर्स्ट चैप्टर की बात करें बच्चों, तो न्यू NCERT में ना इस चैप्टर में व्हाट इज़ लिविंग, शुरू में एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करता हुआ, वो न्यू NCERT ने नहीं दिया। पर आप उस टॉपिक को ओल्ड NCERT से पढ़ लो। अब आप कहोगे मैम तो हम क्या ओल्ड NCERT खरीदने जाएं? नहीं बच्चों, ये जो टॉपिक्स है ना जो मैं आपको कह रही हूँ ओल्ड NCERT से पढ़ लो, मैं टेलीग्राम चैनल पर इन चैप्टर्स की PDF आपको अवेलेबल करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव कर लो, या फिर मैं कहूँगी उनका प्रिंटआउट निकाल के उनको स्टैपल करके अपनी NCERT में ही रख लो, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, ठीक है। तो जो बच्चे न्यू NCERT फॉलो कर रहे हैं उनको फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक एडिशनली पढ़ना है, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। और अगर ओल्ड NCERT आपके पास है तो आप टेक्सोनॉमिकल एड्स मत पढ़ना, जो सबसे लास्ट टॉपिक है बच्चों टेक्सोनॉमिकल एड, वो ओल्ड NCERT वाले ना पढ़ें, ठीक है। इसमें तो है ही नहीं न्यू NCERT में टॉपिक, सिलेबस में भी नहीं है। देखो मैं साथ साथ में आपको दिखाते जाऊंगी, फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे लास्ट में टेक्सोनॉमिकल एड लिखा रहता था, अब नहीं लिखा तो आपको नहीं पढ़ना, सीधी सी बात है। यहाँ पर व्हाट इज लिविंग लिखा है इसलिए हम कह रहे हैं पढ़ लो, ठीक है। देन आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे, लिविंग वर्ल्ड के बाद अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, वो तो आपको पूरा एज इट इज़ पढ़ना है, वो दोनों में सेम है। अब प्लांट किंगडम जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर 11th NCERT का, उसमें न्यू NCERT वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना ही है जितना सिलेबस में कहा गया है, तो उनको कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। हाँ, जिनके पास ओल्ड NCERT है वो लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है बच्चों इस चैप्टर में, एंजियोस्पर्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इन दोनों टॉपिक्स को आप ना पढ़ें। ये देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर में ये रहा, तो उन्होंने जिम्नोस्पर्म पे इसको ख़त्म कर दिया है, ना एंजियोस्पर्म है ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है। वो अलग बात है कि बेसिक्स क्लियर करने के लिए क्लास में आपको थोड़ा बहुत अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का आइडिया दिया जाएगा, जिससे आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकें, बट एज इट इज़ NCERT से ये चीज़ें हट गई हैं, सिलेबस से भी हट गई हैं, तो क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट चैप्टर जो आपको कन्फ्यूज कर रहा है वो है, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर क्या मैं कहूँगी, ये दोनों तो फर्स्ट यूनिट के चैप्टर्स थे ना बच्चों, यूनिट वन के चैप्टर्स थे ना, अब यूनिट सेकंड जो है ना वो पूरी कंफ्यूजिंग है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस यूनिट सेकंड ने ही क्रिएट कर रखा है, सेकंड यूनिट के तीनों चैप्टर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है देखना, अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को न्यू NCERT ने बहुत रिड्यूस कर दिया है। ओल्ड NCERT में इसके मॉडिफिकेशंस थे, रूट के, स्टेम के, लीव्स के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे, उनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, ओके। बट आई डोंट नो न्यू NCERT ने उस पार्ट को डिलीट कर दिया, बट NTA मानता है कि आपको ये टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए NTA ने NMC ने अपने सिलेबस में क्या कि NTA NMC तो पता है ना आपको, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ कि NTA तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, और जो NMC है वो पूरा मेडिकल और मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस को पूरा संभालती है, तो NMC के रेगुलेशंस को ही NTA फॉलो करता है, ठीक है। तो आप NMC कहें, NTA कहें, NMC के रूल्स ही NTA फॉलो करता है, ठीक है। तो मैं कह रही थी आपको कि मॉर्फोलॉजी चैप्टर में अगर आप देखेंगे ना, तो देखो यहाँ लिखा है आपको मॉडिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने टिश्यूज़ भी लिख दिया, जो नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी, चलो उस पर बाद में आऊँगी मैं, पहले तुम मॉर्फोलॉजी की बात करो। मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशंस लिख दिया, प्लस मॉर्फोलॉजी में कुछ ऐसी फैमिलीज ऐड कर दी बच्चों जो ना ओल्ड NCERT में है और ना ही न्यू NCERT में है, जैसे कि मालवेसी फैमिली, बहुत पुराने टाइम में पढ़ाया जाता था, क्रूसीफेरी जिसको ब्रैसिकेसी भी कहते हैं, हालांकि इसका सिर्फ डायग्राम और फॉर्मूला ओल्ड NCERT में थे बट डिस्क्रिप्शन नहीं था। लेग्यूमिनोसी इज फेबेसी, वो तो चलो ओल्ड NCERT में है। कंपोजिटी ग्रामिनी, तो देखा जाए इन शॉर्ट तो मालवेसी, कंपोजिटी ग्रामिनी, इन तीनों के बारे में ओल्ड NCERT में कुछ भी नहीं है,
पर फिर भी ये फैमिलीज ऐड कर दी गई हैं। हालांकि मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि इस साल जब NTA या NMC अपना नया सिलेबस रिलीज करे तो इन टॉपिक्स को हटा दे, क्योंकि ये टॉपिक्स जब NCERT में ही नहीं है तो ये कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे। हालांकि ये कहता है कि आप स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ लो, पर अब ऐसे कौन से स्टेट बोर्ड की बुक्स कहाँ से लाएंगे बच्चे। तो इसलिए ये टॉपिक्स जो हैं वो बच्चों को बहुत परेशान करे हैं उन्होंने नीट 2024 में। आप क्या करेंगे उसके लिए, मैंने इसी चैनल पर न्यू प्लांट फैमिलीज का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, 1.5 घंटे का वीडियो है, बस उसे आप एक बार देख लेंगे, वो भी मैं कहूँगी लास्ट में देखना, जिससे आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर की बात करें तो न्यू NCERT वाले बच्चे मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट फैमिलीज में न्यू NCERT में सिर्फ सोलेनेसी दी है बच्चों, तो सोलेनेसी तो आपको पढ़नी ही है, बट ओल्ड में फेवेसी और लिलियसी भी दी थी, तो फेवेसी लिलियसी भी पढ़ जाना, मैं कहूँगी इससे तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। पूरी मॉर्फोलॉजी में जो चीज़ें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों, उनको प्लांट फैमिलीज के थ्रू सबसे आसानी से याद रखा जाता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ फेवेसी लिलियसी मॉडिफिकेशन तीनों टॉपिक ओल्ड NCERT में है। आई विल शेयर द फाइल, आप प्लीज़ इन तीनों को पढ़ेंगे प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है, ओके। जिनके पास ओल्ड NCERT है उनको मॉर्फोलॉजी में कुछ भी स्किप नहीं करना, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में NTA कहता है कि आपको ये पढ़कर आना है, ठीक है। रही बात न्यू प्लांट फैमिलीज की, जो ना न्यू NCERT में है ना ओल्ड NCERT में है, उस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। फैमिली के नाम तुम्हें बता दिए हैं, तुम लिख लो, दैट इज मालवेसी, मालवेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी फैमिली, इन चारों को आप जो मैंने बताया YouTube लेक्चर उससे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, क्लियर। और वो भी एकदम एंड में, क्योंकि हो सकता है ये आगे जाकर डिलीट हो जाएं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आई वॉज शॉक जब मैंने न्यू NCERT को देखा, उसमें से देखा कि प्लांट टिश्यूज ही हटा दिया। भाई आप एनाटॉमी में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाते हो, और जो स्टार्टिंग में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिटेल होती है ना, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, वो सब था ही नहीं। पर ये बहुत बेसिक टॉपिक है बच्चों, इसीलिए मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, NTA ने अपने सिलेबस में लिखा भी हुआ है। एंड आपको बताऊं, ये जो आपका नीट 2024 का एग्जाम था उसमें प्लांट टिश्यूज से 2 क्वेश्चंस भी आए, इसलिए ये जो टॉपिक है प्लांट टिश्यूज ये न्यू NCERT में नहीं है, फिर भी आप डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्वेश्चन आए ना आए, बेसिक स्ट्रांग करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगेन आई विल शेयर द फाइल फ्रॉम NCERT, ठीक है, ओल्ड NCERT से मैं शेयर कर दूंगी। और बाकी आपको कुछ एडिशन नहीं पढ़ना, जितना एनाटॉमी में न्यू NCERT में गिवन है वो सब पढ़ लेना बस, ठीक है। जो ओल्ड NCERT वाले बच्चे हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक छोड़ देना, न्यू NCERT में तो है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है। ओल्ड NCERT से जो पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ को हम बहुत इंपॉर्टेंट में पढ़ते थे ना, अब आपको नहीं पढ़ना, ये टॉपिक NTA ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। अभी आपने देखा इस फाइल में, ये देखो यहाँ पर कहीं भी सेकेंडरी ग्रोथ का नाम नहीं है, दिस टॉपिक इज डिलीटेड। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस भी कोई डिटेल में नहीं, बस वो जो दो तरह के होते हैं, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब चीज़ें पढ़नी है, नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर है। देन इसी यूनिट का जो थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, अगेन उसमें NCERT ने एक शॉकिंग चीज़ की, जैसे यहाँ से प्लांट टिश्यूज हटाया वैसे यहाँ से एनिमल टिश्यूज हटा दिया, एपिथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। जब तक इन चार टिश्यूज़ की नॉलेज तुम्हें नहीं होगी तुम ह्यूमन फिजियो को कैसे समझोगे बच्चों। हालांकि उसमें एक ये दिया गया कि भाई है ना ह्यूमन फिजियो में सब कुछ कवर हो जाता है इसलिए इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। एंड येस, इसमें से भी इस बार क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे न्यू NCERT में नहीं है बट एनिमल टिश्यू हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। सिलेबस में भी आप देखिए एनिमल टिश्यू लिखा हुआ है, कहाँ से पढ़ेंगे, वही ओल्ड NCERT की फाइल जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, ओके। एंड न्यू NCERT में इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग दिया है। न्यू NCERT में आप ये चैप्टर खोल के देखोगे ना, बस फ्रॉग दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, जबकि आपको एनिमल टिश्यूज पढ़ना है, कॉकरोच से हर साल क्वेश्चन आते हैं, कॉकरोच भी एडिशनली पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर न्यू NCERT में सिर्फ फ्रॉग है, फ्रॉग तो तुम पढ़ोगे ही, पर ये दोनों टॉपिक मतलब ओल्ड NCERT में जो चैप्टर था ना पूरा का पूरा आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर बस जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, अर्थ फॉर्म हम पहले भी नहीं पढ़ते थे, वो सिलेबस से रिलेटेड था, अब भी नहीं पढ़ेंगे। बाकी फ्रॉग, कॉकरोच, एनिमल टिश्यूज सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसमें एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है बच्चों को कि मैम यहाँ एनएमसी के सिलेबस में देखो इन्होंने क्या गड़बड़ की थी बच्चों, यहाँ इंसेक्ट लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया, और बाद में एक नोटिफिकेशन निकाल के ये बात क्लियर की कि आपको प्लस कॉकरोच भी पढ़ना है, वो यहाँ पर हमसे गलती से टाइप हो गया। तो इसका मतलब एक इंसेक्ट भी पढ़ना है यहाँ एंड आना चाहिए और फ्रॉग भी पढ़ना है, इसलिए ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। हालांकि 2024 में कॉकरोच से ही दो क्वेश्चन थे पूछे गए थे, फ्रॉग से क्वेश्चंस नहीं थे, बट क्या पता अगली बार पूछ ले, न्यू एनसीईआरटी में फ्रॉग है ना, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, ये चैप्टर हो गया आपका स्ट्रक्चरल, तो सेकेंड यूनिट ही सबसे मेन कन्फ्यूजिंग यूनिट थी, बाकी अब आपको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अगर आप प्लांट फिजियो की बात करें, थर्ड यूनिट की बात करें, तो दो चैप्टर तो कम्प्लीटली हट गए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन पूरा एज इट इज़ पढ़ते हो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरा चैप्टर न्यू एनसीईआरटी वाले एज इट इज़ पढ़े, उनको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, बस ओल्ड एनसीईआरटी वाले बिल्कुल एंड में तीन टॉपिक दिए हैं, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेंसी, इनको मत पढ़ना। वैसे भी बच्चों को ये टॉपिक्स समझ में ही नहीं आते थे, ज़्यादातर उलझे रहते थे, अच्छा है एनटीए ने अपने सिलेबस से ही इन चीज़ों को हटा दिया। ये देखो सेल बायोलॉजी यूनिट में तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, इसको तो छेड़ा ही नहीं, जैसी थी वैसी रखी हुई है, ठीक है। प्लांट फिजियो में मैं आपको ये कह रही हूँ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एब्सिसिक एसिड पे ख़त्म कर दिया है, लास्ट के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। ये देखो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और पीजीआर डन है क्या, आगे बढ़ जाएं। देन अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहाँ पर भी कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ एक जो सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला चैप्टर था बच्चों को, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको न्यू एनसीईआरटी वालों को कोई चेंज नहीं है, न्यू एनसीईआरटी वाले उसी से पढ़ेंगे, बस जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो लास्ट में ये टॉपिक मत पढ़ना, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी ऑर्गन्स जिसमें आई ईयर वगैरह के बारे में था वो हट गया है ना, आई ईयर में भी मुझे पता है बच्चों को बड़ा जोर आता था, समझने में तो मज़ा आता था बट उसमें से जब क्वेश्चंस बनते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये देखो ह्यूमन फिजियो में आप न्यूरल कंट्रोल चैप्टर देख रहे हैं, इसको नर्व इम्पल्स के कंडक्शन मैकेनिज्म पे ही ख़त्म कर दिया है ना, तो रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें बस इन्होंने कुछ मतलब एक तरह से यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, ये जो नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन पेरिफेरल विसरल जो आपको क्लास में कवर कराया जाता है ब्रेन के पार्ट्स तक, बस वहीं तक पढ़ना है, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना। न्यू एनसीईआरटी वालों को आप किसी भी चैप्टर में चिंता नहीं करनी, बस न्यू एनसीईआरटी वालों को जो भी कन्फ्यूजन था ना वो मेजरली बच्चों सेकंड यूनिट में ही था, बाकी किसी भी यूनिट में कोई चेंज नहीं है। तो ये हुई आपकी 11th एनसीईआरटी की बात, ये किसकी हुई 11th एनसीईआरटी की बात। अब आ जाओ तुम 12th एनसीईआरटी पर, 12th एनसीईआरटी में से तीन चैप्टर तो कम्प्लीटली डिलीटेड है, जो उलझाने वाले चैप्टर बचे उनमें से एक, तो इसमें भी ज़्यादा उलझना नहीं है, छोटी सी चीज़ें सुन लो, शुरू में जो आपकी यूनिट है रिप्रोडक्शन, वो फ्लावरिंग प्लांट वगैरह वो सब एज इट इज़ पढ़नी है, जेनेटिक्स में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ है दोनों एनसीईआरटी, एज इट इज़ पढ़नी है। ह्यूमन हेल्थ वाला जो जो यूनिट है उसमें स्ट्रैटेजीज चैप्टर हटा दिया, बाकी दोनों चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं किया। अब बायोटेक में एक छोटा सा चेंज किया है, क्या किया है सुनना, जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं वो एज इट इज़ पढ़ना, बायोटेक का प्रिंसिपल एप्लीकेशन कुछ भी उनको इधर उधर से नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाले बच्चे जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है ना वो एक काम करेंगे कि आपको ध्यान हो तो आपका जो चैप्टर है ना स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट, वहाँ पर लास्ट में एक टॉपिक है टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, उस टॉपिक को न्यू एनसीईआरटी ने उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया है, न्यू एनसीईआरटी में बायोटेक एंड एप्लीकेशंस में शुरू में उस टॉपिक को डाल दिया है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप बच्चों को ओल्ड वालों को एडिशनली पढ़ना है, न्यू में तो है ये टॉपिक, तो जो न्यू से पढ़ रहे हैं उनका तो वैसे भी नहीं छूटेगा, ठीक है क्लियर। बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी एज इट इज प्रिपेयर करनी है, बस आपको टिश्यू कल्चर एडिशनली पढ़ना है, ठीक है। अब इकोलॉजी पर आ जाओ, इकोलॉजी में ना एक कन्फ्यूजन है बच्चों, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी का दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है ना, इस चैप्टर में क्या करा, जो न्यू एनसीईआरटी है ना उसने ऑर्गेनिज्म वाला सेक्शन हटा दिया, सिर्फ पॉपुलेशन वाला सेक्शन रहने दिया। देखो एक मिनट मैं आपको साथ साथ में फाइल्स भी दिखा दूँ, 12th एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन एज इट इज़ है, जेनेटिक्स एज इट इज़ है, ह्यूमन हेल्थ एज इट इज़ है, सिर्फ वो वाला चैप्टर हटा दिया, स्ट्रेटजीज माइक्रोब्स एज इट इज़ है, ठीक है। देन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर नहीं लिखा उन्होंने ये चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई, तो बुक्स में देखने के बाद समझ में आया, ठीक है। नाउ इकोलॉजी में क्या किया बच्चा, जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है वो चैप्टर, एक तो ऑर्गेनिज्म और एक पॉपुलेशन, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी ने तो क्या किया,
कि जो ऑर्गेनिज्म वाला सेक्शन था ना वो पूरा हटा दिया। शुरू में एक बड़ा सा सेक्शन आता था जिसमें 4 से 5 सब टॉपिक्स थे, सीधा पॉपुलेशन से उस चैप्टर को स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन सिलेबस में एनएमसी ने लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, तो उस बेसिस पर मैं बच्चों को कहती हूँ कि एक बार रीड ही तो करना है, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं चीज़ें कि बहुत उलझाने वाली चीज़ें हों, तो एक बार रीड ज़रूर से कर लो। हालांकि जैसे न्यू प्लांट फैमिलीज पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, इस पर भी लगाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि इस बार इससे क्वेश्चन भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा 2024 में, तो मुझे लगता है कि एनटीए अगर कोई क्लैरिफिकेशन देता है तो वो शायद इस टॉपिक को हटा देगा, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चे अभी इस चैप्टर को पूरा पढ़ें, इस टॉपिक को अभी ना छोड़ें। अगर एनटीए कहता है कि हाँ ये टॉपिक हट गया है तो ये छोड़ना, वरना प्लीज़ पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। एंड लास्ट में इसके जस्ट बाद का जो चैप्टर है इकोसिस्टम, उस चैप्टर में बच्चों न्यू एनसीईआरटी में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ पढ़ लेना, ठीक है। और जो ओल्ड एनसीईआरटी वाले हैं वो लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट में 3 टॉपिक हैं, देखो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बाद। एक तो सक्सेशन है, देखो हट गया, कितना बढ़िया, कितना ऐसा टॉपिक लगता था ना, ये भी तुमको सीक्वेंस याद नहीं होती थी सैरे वगैरह की, तो ये हट गया। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हट गया और इकोसिस्टम सर्विसेज का एक पैराग्राफ था वो भी हट गया, ठीक है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक छोड़ के बाकी सब एज इट इज़ पढ़ के जाना है। तो तुम एक बार कंक्लूजन देख रहे हो इसका, इस पूरे का तुम कंक्लूजन देखो, मैं तीनों स्लाइड्स को एक बार यहाँ पे तुम्हें दिखाती हूँ। फायदे में जो बच्चा अभी ये सोच रहा है, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी पहले से है पढ़ी हुई है वो उसी को पढ़ेगा, जिसने न्यू ले ली है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो अभी भी इस कंफ्यूजन में है कि मैम न्यू से पढ़ें या ओल्ड से पढ़ें, मेरे ख्याल से उनको न्यू लेनी चाहिए, क्योंकि न्यू में कितने कम चेंजेस हैं। देखो न्यू में मेजर चेंजेस सिर्फ सेकेंड यूनिट में है, जो आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, जो मैं आपको फाइल शेयर करूंगी, किसी से भी एनसीईआरटी लेकर उन चैप्टर्स का फोटोकॉपी करा के रख सकते हो, बाकी कोई चेंज नहीं है ना। जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में कितना ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो जिन बच्चों ने अभी भी बुक्स नहीं ली है वो बच्चे न्यू एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे। न्यू एनसीईआरटी लेने के बाद उनको मेनली सिर्फ 11th के सिलेबस में से मॉडिफिकेशंस रूट स्टेम लीफ के, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ और कॉकरोच ही एडिशनली पढ़ना होगा। ये इस पूरे का कंक्लूजन है ना, क्योंकि बाकी जो टॉपिक है इस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क है। देन इस पे जो मैंने आपको कहा न्यू प्लांट फैमिलीज पे भी अभी क्वेश्चन मार्क है, और व्हाट इज लिविंग कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है, क्लियर। इकोलॉजी में ये हुआ आपका, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो वैसे ही छोटा सा चैप्टर है, वो तो आप पूरा पढ़ ही लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस अपडेट। जो भी 2025 या 2026 के कैंडिडेट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन एनएमसी एनटीए ने जो सिलेबस अपलोड किया है उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि एनटीए बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि चीज़ें इधर उधर से आएंगी, क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें। मैंने बहुत सीधे शब्दों में लास्ट में कंक्लूड कर दिया है कि न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चे जो हैं वो क्या एडिशनली पढ़ेंगे, और जो ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं जिनके पास पहले से है वो क्या चीज़ें छोड़ कर जाएंगे। दिस इज़ इट अबाउट द सिलेबस, ठीक है। और भी कोई आपको अपनी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर क्या रोड मैप होना चाहिए, रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करने हैं, सारी चीज़ें बच्चों मैंने रिसेंटली चैनल पर अपलोड की हैं। एक बार अच्छे से थोड़ा टाइम निकाल कर इन वीडियोस को देखें, ये आपकी जर्नी को बहुत चेंज कर देंगे, बहुत एक डिसिप्लिन वे में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अगर आप नीट की तैयारी रियली में कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम इस चैनल पर सिर्फ आपके फ़ायदे की, आपके जो भी गाइडेंस की जो चीज़ें हैं उन्हीं को अपलोड करते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। डेली कुछ क्विक शॉर्ट्स भी अपलोड किए जाते हैं जिनको आप देखें तो आपका एनसीईआरटी का रिवीजन ही होगा, ओके। एंड अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आप हमारे बैच में एनरोल भी कर सकते हैं, दैट इज़ अविरल बैच। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अभी आप 11th क्लास में आए हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारा आरंभ बैच है। दोनों ही बैचेस के जो वीडियोस हैं वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगी। आप उन वीडियोस को देखकर अगर हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आरंभ बैच और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए अविरल बैच, ओके। पूरी प्रिपरेशन में हम पूरी तरह से आपको एक मेंटोरशिप मिलेगी, एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, किस तरह से नीट की जर्नी में जो अलग अलग फेजेस आती हैं उनको कैसे डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ओके। गुड बाय।